चार नफ्सियाती निशानियाँ, उसे आपसे प्यार हो रहा है। रोमानवी ताल्लुकात के इब्तदाई मराहिल में काफ़ी जोश और तवानाई होती है। आप अपने साथी के बारे में जितनी चीज़ें सीखते हैं, नए मामूलात तय करते हैं और एक खास मौके पर आप वो तीन जादुई अल्फाज कहने के लिए तैयार हो सकते हैं, लेकिन कहने से घबराते हैं। शुक्र है कि जब अहम जिस्मानी अलामत की निशानदेही करना मुमकिन है कि कोई आपसे मोहब्बत करता है, इस तरह आप अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए कदरे ज़्यादा एतमाद महसूस करते हैं। रिलेशनशिप कोच मशीर फ्रेली का कहना है कि अपने साथी की बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना सीखना इस बात को समझने में कलीदी हैसियत रखता है कि आया वो आपसे मोहब्बत करता है। गैर जुबानी इशारे सेहतमंद और मोहब्बत भरे रबते का एक बड़ा हिस्सा है। जिस्मानी और गैर जिस्मानी अलामत की बुनियाद पर इस बात का अंदाज़ा लगाना बिल्कुल मुमकिन है कि आया कोई आपसे मोहब्बत करता है। पहली नफ्सियाती निशानी कुर्बत। अगर कोई मोहब्बत में है तो जितनी बार मुमकिन होगा आपके दरमियान जिस्मानी फासला ख़त्म कर देगा। फ्रेले के मुताबिक आप मंदरजा ज़ैल चार सवालात पर गौर करना चाहेंगे ताकि ये मालूम हो सके कि आया ऐसा हो रहा है, क्या वो खड़े खड़े आपके करीब आने की कोशिश करता है, क्या वो बैठे बैठे आपके करीब आता है, क्या वो अशिया जैसे मशरूबात या फ़ोन या कुछ और आपके करीब रखता है। क्या वो बात करते वक्त आपकी हाँ में हाँ करता है। अगर आपने मंदरजा बाला सवालात में से किसी एक का जवाब हाँ में दिया है तो ये वाज़े है कि ये शख्स जिस्मानी तौर पर करीब होने की ख्वाहिश रखता है। तिब्बी माहिर नफ्सियात कार्ला मेरी मैनली पीएचडी का कहना है कि मोहब्बत का इशारा होने के लिए जरूरी नहीं कि चार्ज किया जाए। वो कहती हैं जब किसी को प्यार हो रहा होता है तो वो अक्सर अपने साथी की जानिब इस तरह झुकता है जैसे उसे आप में जिनसी दिलचस्पी महसूस हो। वो कहती हैं ये एक झुकाव है जो कहता है मैं आपसे लुत्फानंदोज़ हूँ, मैं आपके करीब रहना चाहता हूँ। दूसरी नफ्सियाती निशानी छूना। आप मुमकिना तौर पर उन लोगों को छूते हैं जिनके लिए आपके प्यार के जज्बात होते हैं, चाहे आप किसी को बोसा दे रहे हों, अपनी माँ को गले लगा रहे हों या किसी दोस्त की पीठ पर या कंधे पर थपकी दे रहे हों। इस बात का अंदाजा लगाने के लिए कि आया कोई आपसे मोहब्बत करता है, रबते के मुमकिना तौर पर गैर जरूरी इस्तेमाल पर नजर रखें, क्योंकि ये एक अहम जिस्मानी अलामत है, जैसे क्या वो आपको हाथ लगाता है या बात करते वक्त आपके बाजू या हाथ को छूता है। फ्रेली कहते हैं अगर आपका साथी आपके जिस्मानी रबते को तरस रहा है तो ये और इशारा है कि वो आपकी मोहब्बत में मुब्तला है। तीसरी नफ्सियाती निशानी तवज्जो। तवज्जो एक बहुत बड़ी जिस्मानी अलामत है कि किसी को आपसे मोहब्बत है। मिसाल के तौर पर अगर वो आपसे मुतासिर है तो उसे आपसे बहुत अच्छी तरह से मोहब्बत हो सकती है। फ्रेले कहते हैं मोहब्बत अक्सर अपने साथ सुरंग का नजारा लाती है, लिहाजा अगर ऐसा लगता है कि आपका साथी आप पर तवज्जो मरकूज कर रहा है और अगर दीगर चीज़ों में ज़्यादा मशगूल नहीं होता तो ये एक अच्छी अलामत है। चौथी नफ्सियाती निशानी आँख से रबता। आँख से रबता इतना शदीद जिस्मानी ताल्लुक पैदा करता है कि महक़्क़ीन ने इसे मोहब्बत के जज्बात को मुतहरिक करने के लिए भी इस्तेमाल किया है, लिहाजा अगर आपका साथी आपकी आँखों में गहराई से और आराम से देख रहा है तो ये उसकी ख्वाहिशात के बारे में बहुत कुछ बता रहा है। आंखों का गहरा रबता या अपनी नज़रें कम से कम 4 सेकंड तक थामे रखना
मोहब्बत के जज्बात की निशानदेही करता है। अगर वो आपकी मौजूदगी में मुस्कुराता है तो ये बोनस पॉइंट्स हैं। सब्सक्राइब, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बड़ा मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें सब्सक्राइब करने से हमारे चैनल को ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।